आज जी लाहौर में चौथा दिन है और हैप्पी न्यू ईयर सैंडविच ब्रेड और ये अंडा बनाया, इतना नमक आपकी सोच। साथ चाचू है, चाचू कल नहीं गए, आज जाएंगे वापस चाचू अपने घर चाची को मिलने। अभी जी हम चाचू को छोड़ने जा रहे हैं अड्डे पे। ठीक है चाचू, चाचू अब आप मेट्रो पे जाओ सीधा बागपतन। इधर से हमने भाई बाइक की चाबी बनवानी थी। बाइक की चाबी मुझसे गिर गई थी, मैं बाइक चला रहा था तो मुझे पता नहीं चला इसके अंदर से ही निकल गई, तो अभी वो चाबी बनवा रहे हैं यहाँ से। अभी जी मुइस भाई हमें मिलने हैं, जा रहे हैं मुइस को मिलने। ये देखें जी मोहित भाई आए हुए हैं हमें मिलने। ये है जी मोहित भाई के बड़े भाई और ये है मोहित भाई। मोहित भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, आप हमारे पास भी आओ उधर आपसे मिल के। मोहित भाई को मिलके मैं आ गया हूँ और अभी हमारा एक और दोस्त यूनिवर्सिटी का आ रहा है नीचे, उसको मैं लेने जा रहा हूँ साथ नाना का, तो भी हैप्पी बात कर रहा है, उसको लोकेशन समझा रहा है, फिर उसको भी मैं पकड़ाता हूँ। ये जी साथ आ गया, इसको हम बहुच कहते हैं। ओ भाई जान राजा जी, सर 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 कहते हैं। ओ भाई जान, ओ हो भाई हैवी गाड़ी भाई जान, आजा आजा आ गया साथ भी। देखो भाई फुल माहौल के साथ प्रोटोकॉल है भाई, साथ के साथ पूरा इतना दूर से। अभी जी साथ के साथ जा रहे हैं हम खाना खाने, साथ भी पहाड़ी इलाकों में भी जाएंगे इस बाइक पे। मैं हैप्पी उड़ जाएंगे। नहीं उड़ते बाइक से। जी हमारी लाहौर से वापसी है, लेकिन हम उससे पहले फैसलाबाद जाएंगे, उधर 2-3 घंटे का हमारा स्टे है, उसके बाद हम जाएंगे घर। साकिब भाई अभी उठे हैं, जल्दी उठ गए आज। साकिब भाई आज मैं जा रहा हूँ, आपके साथ बहुत मज़ा आया टाइम स्पेंड करके, इंशाल्लाह फिर आप भी आइएगा उधर, मैं भी आता रहूँगा आपके पास। अभी जी 9 बज रहे हैं, हमने नाश्ता वगैरह करना है, मैं जा रहा हूँ वापस। ये मेरा सब्सक्राइबर है, अभी इसको इससे भी सब्सक्राइब कराया। ये जी सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। हैप्पी मून का बहुत शुक्रिया हैप्पी भाई हमें छोड़ने आए, इतनी अच्छी हॉस्पिटलिटी की, हॉस्पिटलिटी होती है क्या होती है, हॉस्पिटल हाँ वो की हमारे, बड़ा मज़ा आया यार हैप्पी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दोबारा। अभी जी मैं निकल रहा हूँ फैसलाबाद के लिए। बाय बाय लाहौर, बाय बाय। अभी मैंने एडवांस टिकट बुक करवा ली है आगे सादिकबाद जाने के लिए, 6:30 बजे इधर से जाऊंगा, अभी 12 बज रहे हैं। ये जी शहूद हमें लेने आए हुए हैं। ये जी हम फैसलाबाद के बाजार में घूम रहे हैं शहूद भाई के साथ। फैसलाबाद के मशहूर घंटा घर, पबजी की पावर है कि भाई जितने भी दोस्त हैं वो सारे माशाल्लाह पबजी की वजह से बने हैं। लोग कहते हैं कि पबजी की वजह से क्या बेनिफिट है। ये जी शहूद हैं, ये हमारे पबजी के दोस्त बने थे। अभी जी खाना वगैरह खा लिया है, मैं और शहूद भाई तस्वीरें लेने जा रहे हैं। अभी जी हम घंटा घर खड़े हुए हैं मैं और शहूद भाई
फोटोग्राफी कर रहे हैं मोबाइल मोबाइल को हम टाइमर लगाएंगे फिर हम अपनी लेंगे तस्वीर, उसी की तैयारी जो कर रहे हैं शोभन भाई। आ रहे फिट यार, मुझे लग रहा है बॉल पड़ा है। नहीं नहीं आ रहे, ये देखो ना। अभी शाहूद भाई हमारा एंगल ढूंढ रहे हैं, मेरा सामान भी साथ पड़ा हुआ है। यहाँ पे तकरीबन 3 घंटे का स्टे है, 3 घंटे के बाद मेरी फिर टिकट है। हाँ तस्वीरें जी हमने बना ली हैं इधर घंटा घर की। ऑफ एग्रीकल्चर आ गए सामने। ये दूसरी बड़ी एशियाई यूनिवर्सिटी है, ये एशिया की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये क्या होता है फिशरीज? अच्छा मछलियाँ। शोध भी हम किधर जा रहे हैं? अभी हम ना जाते हुए एक बार स्टेडियम से होके ठीक है, ठीक है, वहाँ से हम अपनी फेवरेट चाय पियेंगे। चाय पी के वापस वो छोड़ देना आप मुझे, ठीक है, फिर अपनी दोस्ती खत्म है। ये आ गया जी इकबाल स्टेडियम। फैसलाबाद की साफ रोडें, खुला माहौल। मैं पहली दफा आया हूँ यहाँ पे फैसलाबाद। कोई रोड दरअसल काफी यानी खाना शाना और आउटिंग वगैरह का सीन काफी हो रहा है इस तरफ। अच्छा फैसलाबाद और जगह भी होता है लेकिन ये एक ना लाइक यहाँ भी आपको हर किस्म की चीज मिल जाती है। शाहूद भाई ये डी ग्राउंड है? डी बना हुआ है ये सारा। सही सही सही, ड्रोन शॉट हम ले नहीं सकते क्योंकि बैटरी खत्म हो गई है। हाँ बिल्कुल, तो आपको एक्चुअल डी ना इसका नजर आ जाना। हाँ ये है जी चैनपट रोड, यहाँ पे यानी आप ये हिसाब लगा लो कि फैसला पाकिस्तान के ना। हाँ जी सारे ब्रांड। अच्छा यहाँ सारे ब्रांड्स वगैरह यहाँ पे हैं। ये जी चेसअप मॉल बना है, ये अभी नया ही बना है। अभी हम घूम फिर के दोबारा उधर ही आ गए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। अभी जी हम घूम फिर के, शाहूद भाई और मेरा सेम ही सीन है अभी चाय वाला, हम दोनों ही चाय के बड़े शौकीन हैं, तो अभी हम चाय पी रहे हैं। ये जी शहूद भाई हमें मिले हैं, बड़ा मजा है इनके साथ गपशप लगा। भाई आपका बहुत शुक्रिया भाई, आपने बताया। नहीं नहीं यार, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम, जब भी फैसलाबाद आए। जी जी जरूर, नजदीक भी है तो बस आप ही जरूर आइएगा, चक्कर लगाइएगा। है दूर जरा लेकिन जब भी इंशाल्लाह आएंगे, ऐसे आपका अपना ही घर है वहाँ। और दूसरी बात ये कि ये मुझे पबजी में मिले थे, आप देख सकते हैं भी पबजी के बेनिफिट भी काफी है। लोग कहते नुकसान है, बेनिफिट भी है की आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे पबजी में। ठीक है शोध भाई, बहुत शुक्रिया सर, आप आए यहाँ पे हमें घुमाया आपने फैसलाबाद। वो फिर मेरे हैंड्रिक चलो ठीक है, ओके ब्रो। अभी बस थोड़ी देर में मेरा टाइम हो जाएगा बस का, फिर मैं निकलूँगा अपने घर। तो यहाँ पे ब्लॉग को हम एंड करते हैं, बाय। सफ़र करने का पहला असूल, अपनी एक्सटेंशन खुद ही लेके आओ, इस चीज़ का बड़ा बेनिफिट है आपको।